हेलो एवरीवन, दिस इज विभाती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विभाती क्रिएशन। फ्रेंड्स, आजकल के जो बिजी शेड्यूल होता है, बिजी टाइम होता है, बिजी लाइफस्टाइल है और जो गलत खान पान, जो गलत डाइट लेते हैं हम, उसकी वजह से हमें सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज जाते हैं, कमज़ोर जाते हैं, ब्रेकेज होते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जितनी हेयर लेंथ होनी चाहिए, जितनी सभी लड़कियों की जो विश होती है कि लेंथ बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे घने चाहिए, वो जो लेंथ है हेयर की वो नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आप बस आप हफ्ते में एक बार लगाना है आपने, उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल इतने ज़्यादा घने, इतने ज़्यादा मजबूत और इतने लंबे हो जाएंगे कि बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मेरे घुटनों से भी नीचे बाल हैं, वैसे ही आपके भी हेयर लेंथ हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी हो जाएंगे। और जिसकी कमी की वजह से, जो खान पीने की कमी की वजह से जो बाल हमारे प्रीमेच्योर ग्रे शेयर होने लग जाते हैं, मतलब समय से पहले, टाइम से पहले वाइट होने लग जाते हैं, तो इस रेमेडी से आपके बाल जो वाइट हो गए हैं, ग्रेश हो गए हैं, प्रीमेच्योर ग्रे शेयर, वो भी धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। रेमेडी को देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगर मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करती हूँ या कोई भी अपडेट्स हों, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए हम पहले लेंगे कर्ड, यानी कि दही। मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है, आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ना हो, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करेंगे हम, वो है हमारा ड्राई आंवला पाउडर। आंवला में बहुत सारा विटामिन सी होता है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है, आपकी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी ब्लैक करने में हेल्प करता है, आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है। आप घर में बना हुआ आंवला का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो लिया है मैंने, वो है रीठा फ्रूट पाउडर। रीठा आप जानते हैं कि वो नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जो आपके बालों को एक नेचुरल शाइन, एक लस्टर प्रोवाइड करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मैनेजेबल बनाता है। इसे भी हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे। आंवला जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया था। थर्ड इंग्रेडिएंट लेंगे हम, वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस आपके हेयर की सभी प्रॉब्लम के लिए एक अकेला सॉल्यूशन है, जो आपके हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, सिल्की शाइनी बनाता है, प्रीमेच्योर ग्रेश हेयर को भी ब्लैक करने में हेल्प करता है। तो इसका भी हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो लिया है मैंने, शिकाकाई फ्रूट पाउडर। क्या आप जानते हैं, दादी नानी जो सब पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वो सब शिकाकाई का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे अपने बालों में। सिर्फ शिकाकाई से अगर आपने अपने हेयर वॉश कर लिए तो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट, शाइनिंग और इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। मैंने सारे बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट लिए हैं, आप चाहें तो घर में बनाया हुआ पाउडर भी ले सकते हैं, मार्केट वाला पाउडर भी ले सकते हैं। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होनी चाहिए, अच्छा सा हमने फाइन एंड स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसे कैसे लगाना है और कितने टाइम तक इसे रखना है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, अपने हाथों से अप्लाई कर रही हूँ, कॉटन बॉल से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे आपने बिल्कुल जड़ों में अच्छे से लगाना है, अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से आपने अप्लाई करना है और जो बच जाए उसे आप हेयर लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों में अच्छे से जाएंगे, जड़ों में जाएंगे, आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, सिल्की शाइनी बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, और आपका जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर है वो भी देखना, आप फर्स्ट अप्लाई में ही आपके जो वाइट बाल हैं वो भी धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट अप्लाई करेंगे आपके बाल ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद जैसे आप सेकेंड अप्लाई करेंगे तो वैसे ही धीरे धीरे आपका ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी लंबे बाल हैं इसलिए मेरे अपने आप से खुद से नहीं लग रहा, तो मैं किसी की हेल्प से लगवा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से स्कैल्प में लगा लिया है, अच्छे से बालों में कवर कर लिया है और जो बचा हुआ था वो हेयर लेंथ पे भी लगा लिया है। आपने पंखे की हवा में ड्राई नहीं करना है, आप किसी भी चीज़ से कवर कर ले अपने बालों को और नेचुरली ही इसे ड्राई होने दें। 1 आवर तक आप इसे छोड़ दें, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितनी इजी सिंपल सी रेमेडी है। आप ये घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं या घर पे बना सकते हैं। इसे लगाना है आपने वीक में सिर्फ वन टाइम लगाना है, उसके बाद आप देखेंगे आपके बालों की जो शाइन है, आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इतने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे बाल इतने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और जो बाल बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे आपके बाल। और उसे वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके बाल जो है थिक थिक से घने घने से फील होने लगेंगे आपको। ये ट्राई करना है और आपके जितने भी न्यूट्रिशंस की कमी है वो आपके बालों को ये प्रोवाइड करेगी और आपके बाल घने होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो झड़ना है हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, अगर आपके डैंड्रफ है डैंड्रफ भी रिमूव होंगे। फ्रेंड्स, ये यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दें, ज़रूर ज़रूर फीडबैक दें कि आपके बालों पे इसका क्या रिजल्ट आया है। आप ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रेमेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।